एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के बारे में। हम पिछले वीडियो में होम मेन्यू के सारे ऑप्शंस को कवर कर चुके थे और साथ ही साथ एमएस वर्ड के बेसिक नॉलेज को भी कवर कर चुके थे। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो है इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कवर पेज। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाना है तो उसमें हमें कवर पेज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से आप बने बनाए कवर पेज को इंसर्ट करा सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस कवर पेज को इंसर्ट कर दिया। अब इस कवर पेज में आपको चेंजिंग करना है तो यहाँ पे आप ईयर यहाँ मेंशन कर सकते हो, प्लस यहाँ पर आपको यदि डॉक्यूमेंट टाइटल डालना है तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट टाइटल डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया एमएस ऑफिस एंड ब्रैकेट में मैंने डाल दिया एमएस वर्ड। तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो टॉपिक को। यहाँ पे आपको फोटो की आवश्यकता, आपको मीन्स फोटो आपको चेंज करना है। यहाँ पे फोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मेट को ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चेंज पिक्चर को ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फोटो है यहाँ से आप चूज करके इंसर्ट करा सकते हो। इस तरह से आपका फोटो चेंज हो जाएगा। सर, इसमें पिक्चर स्टाइल्स के कुछ यहाँ फ्रेम प्रोवाइड कराए गए हैं। यदि आपको इसमें से कोई फ्रेम अच्छा लगे तो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। इसमें बॉर्डर कलर दिए गए हैं, यदि आपको बॉर्डर कलर चेंज करना है तो यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको इसका करेक्शन कुछ लाइट डार्क इस तरह से ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। यदि आपको यहाँ से अच्छा लगे तो यहाँ से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं इस पिक्चर से रिलेटेड। जैसे इस पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, इसी तरह से आपका टेक्स्ट से रिलेटेड भी फॉर्मेट ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके फॉर्मेट कुछ अलग तरह के मीन टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में जैसे आपको यदि यहाँ पे टेक्स्ट का यहाँ करना है, शेप स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सारे प्रोवाइड किए गए हैं फॉर्मेट रिलेटेड ऑप्शन। यहाँ से आप एक एक करके इसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है कुछ यहाँ पे नेम्स वगैरह, तो यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका ये जो कंपनी का नेम वगैरह क्या है, तो यहाँ पे आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया वैज्ञान एडोवर। तो इस तरह से आप जो भी चाहो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे बना बनाया दिया गया है, यहाँ पे डेट के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि आप क्या डेट है यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से बहुत सारे बने बनाए दिए गए हैं कवर पेज। आपको जो भी कवर पेज अच्छा लगे यहाँ से आप इंसर्ट करा के इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमारा कवर पेज लग रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को हमें इंसर्ट कराना है। पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने बताया था इक्वल टू रेंड फॉर्मूला के द्वारा आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पैराग्राफ को इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास अभी दो पेज है। यदि आपको ब्लैंक पेज इसके ऊपर इंसर्ट कराना है तो आप कर्सर यहाँ पे रखिएगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। और यदि इस पेज के नीचे आपको इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे लास्ट पे कर्सर रखिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज को इंसर्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन ब्रेक पेज का। ब्रेक पेज का यूज कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मैंने और पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लिया इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पेज फील है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये वाला प्लेस हमें कुछ ड्रॉ करने के लिए चाहिए था और हम यहाँ पे भूल गए थे यहाँ पे प्लेस छोड़ना। तो ब्रेक पेज से क्या होता है, जहाँ से आपको ब्लैंक चाहिए पेज, वहां पे आप अपना कर्सर रख के यहाँ पे यदि ब्रेक पेज कर दीजिएगा तो जो मैटर है ना नीचे का, वो आपका नेक्स्ट पेज के मीन्स एक न्यू पेज के साथ इंसर्ट होके शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मीन ब्लैंक एरिया यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है ब्रेक पेज के द्वारा।
इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है टेबल का। टेबल के द्वारा हम बाय डिफॉल्ट 10x8 का यहाँ पे टेबल प्रोवाइड कराया गया है, आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है इंसर्ट टेबल का, यहाँ पे आप खुद से नंबर ऑफ रो और कॉलम को डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम एंड रो पूछेगा। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया, यहाँ मुझे 6 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। ओके करने पे आप देख सकते हो हमारे पास 6 कॉलम और 3 रो है। अच्छा, ये सीधी वाली जो लाइनिंग है, मीन जो वर्टिकल लाइन है, वो हमारा कॉलम होता है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में जो बना हुआ है, ये हमारा रो होता है। ठीक है, और रो और कॉलम से मिलकर जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसी को बोला जाता है शेल। और एंटायर जो पूरा बन जाता है, मीन शेल सारे सेल से मिलकर जो बनता है, उसे बोला जाता है टेबल। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम और रो की संख्या भी डिसाइड करके खुद से टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का, हम चाहे तो खुद से भी पेंसिल द्वारा टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिएगा और खुद से यहाँ पे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेट लाइनिंग ही आती है, आप थोड़ा सा बस ऐसे क्लिक कर दीजिए, आपकी स्ट्रेट ही लाइनिंग आएगी। तो इस तरह से आप खुद से भी टेबल बना सकते हो पेंसिल के द्वारा, मीन ड्रॉ टेबल ऑप्शन द्वारा। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक रखते हैं, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास ऑप्शन आता है डिजाइन का और एक आता है लेआउट का। तो चलिए हम देखते हैं हमारे डिजाइन और लेआउट से क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन आता है डिजाइन का। अच्छा, ये ऑप्शन यदि आपको ना दिखे तो पहले आपको किसी टेबल के अंदर अपना कर्सर रखना है, मीन्स उसी टेबल के अंदर अपना कर्सर रखना है जिसके डिजाइन और लेआउट में आपको चेंजेस करना हो। जैसे मुझे इस डिजाइन इस टेबल के अंदर हमें चेंजेस करना है, तो इसके अंदर हमने कर्सर रखा, तभी आपका ये दोनों ऑप्शन दिखेगा। बाहर क्लिक रखिएगा तो आपके ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हेडर रो के बारे में। हेडर रो क्या होता है? ये ऊपर वाली जो रो है, इसको बोला जाता है हेडर रो। हेडर रो में हम ऊपर के लिए हेडिंग यदि लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आता है फर्स्ट कॉलम, ये हमारा है फर्स्ट कॉलम। यहाँ है टोटल रो, टोटल रो हमारे नीचे वाले रो को बोला जाता है। यहाँ है लास्ट कॉलम, जो इसे बोला जाता है। इसके बाद आता है बैंडेड रो। बैंडेड रो, बैंडेड रो क्या होता है? ये एक तरह की फॉर्मेटिंग की है, जिसकी फॉर्मेटिंग एक कलर एक वाइट, एक कलर एक वाइट करके ऐसा फॉर्मेट देता है। इसके बाद है यहाँ पे बैंडेड कॉलम, जो एक कलर एक वाइट, एक कलर एक वाइट कॉलम वाइज देगा। तो यहाँ पे जितने भी टेबल स्टाइल्स ऑप्शन दिए हैं, ये रिलेटेड है यहाँ पे टेबल स्टाइल्स इस डिजाइन से। यहाँ पे जो भी ऑप्शन चेक अनचेक रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सबको अनचेक कर दिया, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा इस तरह के आपके डिजाइन दिख रहे हैं। यहाँ मैंने हेडर रो पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिएगा आपके हेडर रो प्रोवाइड करा दिए गए। फर्स्ट कॉलम क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपकी फर्स्ट कॉलम की भी फॉर्मेटिंग आ गई है। टोटल रो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके टोटल रो भी प्रोवाइड कर दिए गए इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी आपको टेबल स्टाइल की फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ पे चेक अनचेक करके इसकी फॉर्मेटिंग आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया पैंडेड रो, पैंडेड रो कर दिया, तो आपकी कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग आई है। मैंने बताया था यहाँ पे एक कलर एक वाइट करके आएगा। तो जो भी यहाँ पे आप चेक अनचेक करोगे जिस सेल को, जिस ऑप्शन को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल स्टाइल की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आता है सेडिंग का, हम यहाँ पे अंडो कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है सेडिंग का। सेडिंग क्या करता है? एक तरह से सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के यूज होता है। यहाँ पे जो भी चाहो आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने अलग कलर कर दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने अलग कलर कर दिया। तो इस तरह से आप चाहो तो अलग अलग सेल में, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रो में, या फिर इंटायर टेबल में आप कलर फिल कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। इसके बाद यहाँ पर आता है बॉर्डर। यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया,
इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में और अपने बॉर्डर का स्टाइल चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर चूज कर लिया, मुझे लाइनिंग की स्टाइल ये वाली चाहिए, कलर मुझे यहाँ पे ये चाहिए। इसके बाद इसकी वेट यानी चौड़ाई आप यहाँ पे डिसाइड कर लो और ओके कर दो। तो देखिए हमारे टेबल की स्टाइल कुछ इस तरीके से आ गई है। यदि आप इसको क्लिक करने के बाद बॉर्डर में यहाँ ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके बॉर्डर दिखेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर्स के बहुत सारे स्टाइल दिए गए, जिनसे आपको सिर्फ नीचे चाहिए, सिर्फ ऊपर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉर्डर आपका हटाना है, ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए। तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, इससे आप उसको इसकी सेटिंग कर सकते हो। अदरवाइज यदि आपको लाइनिंग वगैरह की कलर की चेंजिंग करनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में, जहाँ आप इसकी शेडिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है लाइनिंग की स्टाइल, यदि आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। प्लस ये एक्चुअली रिलेटेड होता है ड्रॉ टेबल, जो मैंने स्टार्टिंग में पेंसिल से बताया था आपको ड्रॉ करना, उसी के स्टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे मैंने इस सारे स्टाइल्स को ले लिया, इसकी चौड़ाई यहाँ पे डिसाइड की गई है और यहाँ पे इसका पेन कलर डिसाइड किया गया है। तो यहाँ से आप करने के बाद टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो आपके इस तरह से टेबल की लाइनिंग आएगी। के साथ साथ ही हमें इरेजर प्रोवाइड किया गया है, यदि आपको किसी लाइन को इरेज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद अंत उस लाइन पे क्लिक करने से ही आपका वो लाइनिंग इरेज हो जाता है। तो ये रहा आपका टेबल का डिजाइन मेन्यू बार। इसके बाद आता है एक टेबल का यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे इरेजर को हम अनचेक कर देते हैं, लेआउट पे आते हैं। लेआउट में सबसे पहले आता है यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन का। सेलेक्ट मीन्स यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आप किस चीज को सेलेक्ट करना चाहते हो। सेलेक्ट सेल, सेल क्या होता है, रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बना होता है इसी को बोला जाता है सेल। मीन्स ये वाला एक बॉक्स है, ये एक सेल है। यहाँ पे कर्सर अभी मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ है, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, इसी सेल को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ मैंने रखा और यहाँ पे चूज किया सेलेक्ट सेल, यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार, आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है तो ये इसका कॉलम ये हो जाएगा। आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है, ये देखिए आपका कॉलम हो गया। यदि आपको रो को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो इसका रो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका इसका रो हो जाएगा। तो रो को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। इसके बाद आता है डिलीट का। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया, यहाँ मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए इतना काफी है। अब हमें इस सेल को डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिलीट सेल का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये बोल रहा है कि इस सेल को डिलीट करेगा तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, मीन्स ब्लैंक तो नहीं देगा, इसकी जगह पे कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने लिख दिया शिफ्ट सेल लेफ्ट। ओके करने के बाद आप देखिए जो सेल था वो आपका वो डिलीट हो गया, लेफ्ट में आ गया आपका ये रो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। यदि आपको करना है कॉलम डिलीट, मीन्स इसका कॉलम ये वाला हो जाएगा, यहाँ कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि आपको रो डिलीट करना है, यहाँ पे आपके रो डिलीट हो जाएंगे। और यदि आपको टेबल डिलीट करना है तो ये आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो, अनलो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। यदि इसके ऊपर आपको कोई सेल यहाँ पे यदि आपको कोई रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका रो आ जाएगा है वो, यानी ऊपर। इसके नीचे यदि रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट बिलो कर दीजिए, आपके नीचे आ जाएगा। यदि आपको इसके लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ क्लिक करिएगा लेफ्ट साइड में, इसी तरीके से आपके राइट साइड में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल यूज होता है दो या दो से अधिक सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। ये किस क्यों यूज होता है, यदि आपको किसी टेबल में हेडिंग डालना है उस टेबल के अंदर ही, तो हम ढेर सारे सेल को सेलेक्ट करने के बाद उस सेल को मर्ज कर देते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हम मर्ज सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल सेल यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया जहाँ पर हम अपनी हेडिंग को डाल सकते हैं। इसके अपोजिट ही आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, किसी सेल के अंदर आपको रो और कॉलम को इंसर्ट करना है तो स्प्लिट सेल का यूज करते हैं।
जैसे आपको इसी सेल के अंदर एक दो रो और दो कॉलम चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम 2 एंड नंबर ऑफ रो 2। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉलम और दो रो इंसर्ट हो चुका है। तो किसी रो के किसी सेल के अंदर आपको रो और कॉलम इंसर्ट करना है एज सेल, यदि ढेर सारे सेल को मिलाकर आपको सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज सेल। यदि आपको इस टेबल को दो भागों में बांटना है, मीन्स आपको अलग अलग करना है, तोड़ना है, तो यहाँ पे स्प्लिट सेल का यूज कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है ऊपर अलग और नीचे अलग। तो यहाँ से आपको इस टेबल को अलग करना है और ऊपर वाले को अलग करना है, स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके ये टेबल अलग हो गया और ये वाला टेबल अलग हो गया। इसके बाद यहाँ आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट मीन्स ऑटोमेटिक कंटेंट के अकॉर्डिंग ये टेबल को फिट कर ले, यहाँ पे यूज होता है ऑटो फिट का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑटो फिट कंटेंट। यहाँ देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेल था वो फिट हो चुका है। जैसे ही हम इसके अंदर कोई नंबर बढ़ाते जाएंगे या कुछ टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसके सेल की साइज बढ़ दी जाएगी इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है हाइट। यदि आपको इस सेल की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करिए, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पर यदि आपको इसकी वेट यानी चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये किसी भी रो को बराबर बराबर भागों में बांटता है और ये किसी कॉलम को बराबर बराबर भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेल की, इस सेल की, इस सेल की, इस सेल की बराबर ही साइज है लेकिन इसकी बड़ी है, तो जैसे मैंने इस सेल को छोटा कर दिया, यहाँ पे कुछ सेल बड़े हैं कुछ सेल छोटे हैं, तो यदि कॉलम वाइज आपको बराबर करना है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दीजिए। ये देखिए आपके कॉलम वाइज बराबर हो गए हैं, ये आपके कॉलम देखिए ये आपके बराबर हो गए हैं। अगर आपको रो वाइज बराबर करना है क्लिक कीजिए, ये आपके रो वाइज भी बराबर हो गए हैं। तो यहाँ देखिए आपके रो और कॉलम बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया, इस वर्ड का आपका अलाइनमेंट कहाँ पर हो ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर, यहाँ रख दिया राइट, सेंटर के राइट, सेंटर के सेंटर, सेंटर के लेफ्ट, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सेंटर। तो यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट के साथ साथ ही यदि आपको यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन भी यहाँ चेंज कर सकते हो। सेल मार्जिन, आपके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में यदि थोड़ी मार्जिन चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और मैंने यहाँ लिख दिया टॉप से मुझे 2 इंच का मार्जिन चाहिए। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके टॉप की जो मार्जिन है यहाँ पे बढ़ चुकी है। इस तरह से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्ट का। शॉर्ट क्या करता है, किसी भी मीन्स लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी से कुछ लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने जे से कुछ लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे ए से कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने जेड से कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी से कुछ लिख दिया। तो ग्रामेटिकल मीन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखे होंगे कि पहले ए आता है, फिर उसके बी आता है, उसके बाद सी आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका जेड आएगा, आरोही और अवरोही क्रम में उसको अरेंज करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट कॉलम का, यहाँ आपको असेंडिंग मीन आरोही क्रम में देना है या अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग में देना है, मैंने कर दिया असेंडिंग। ओके करने के बाद देखिए पहले आपका ए वाला आया है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर जे वाला, फिर आपका जेड वाला। इसी तरह से आप अपोजिट भी कर सकते हो, डिसेंडिंग में ओके कर दीजिएगा तो देखिए आपका इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यदि आपको जितने भी कॉलम में लिखे गए हैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इस तरह से आपके टेबल रिमूव हो जाते हैं, अंडो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है फॉर्मूला का। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हम टेबल में चले जाते हैं, यहीं पर चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 6, 5, 4, इस तरह से मैंने नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर का आपको टोटल करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए
एक्सेल के फॉर्मूला में जोड़ने को बोला जाता है सम। आपको कहाँ का नंबर जोड़ना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही लिखा गया है लेफ्ट, ये समझ गया, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, ओके करिएगा तो यहाँ पे इसका सम आ जाएगा, मीन्स इसका एडिशन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 4, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, और यहाँ पे अब हमें सम करना है, तो ये क्या हो गया, इसका एबो हो गया, मतलब ऊपर यानी एबो। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका एबो आ गया, ओके करिएगा, यहाँ पे इसके सम आ जाएंगे, मीन्स यहाँ पे इसका एड आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला को भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है काउंट यानी गिनने के लिए, यहाँ मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए, यहाँ मोड निकालने के लिए, मिनिमम नंबर निकालने के लिए, ये हालांकि एक्सेल के फॉर्मूला है लेकिन आप इसको वर्ड में अप्लाई कर सकते हो यदि आपको इस फॉर्मूला के बारे में नॉलेज है। तो ये रहा आपका टेबल मेन। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पिक्चर का। यदि आपको एमएस वर्ड के पेज पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपकी जहाँ भी जो भी पिक्चर्स है वहाँ पे इंसर्ट आप करा सकते हो। जब भी हम पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो इसके साथ हमें फॉर्मेट का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमें पिक्चर के स्टाइल, कलर, जो हमने आपको बताया था कवर पेज में, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। जैसे यदि आपको इस पिक्चर को करना है क्रॉप, तो यहाँ से आप इस पिक्चर्स को इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। यदि आपको इसमें डालना है थोड़ा बहुत फ्रेम, तो यहाँ से आप फ्रेम डाल सकते हो। पिक्चर्स के बॉर्डर को लगाना है, यहाँ से आप पिक्चर्स के बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। कोई इफेक्ट डालना है तो यहाँ से इफेक्ट भी आप डाल सकते हो। शैडो है, थोड़ा सा शैडो आ जाएगा आपका। रिफ्लेक्ट डालना है तो इस तरह से देखिए आपके रिफ्लेक्ट आ जाएंगे नीचे के साइड। यहाँ ग्लो करने के लिए थोड़ा सा एक तरह से शैडो टाइप में ही दिखता है ये भी। सॉफ्ट एजेस में थोड़ा ये लाइट करके दिखता है। टेबल में थोड़ा सा उभार कर देगा आपका जो भी पिक्चर्स का बॉर्डर वगैरह रहेगा। 3D रोटेशन यहाँ रोटेट करके देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हो। पिक्चर्स लेआउट, यहाँ पे कुछ लेआउट दिए गए हैं, यदि आपको यहाँ पे इस तरह के लेआउट पसंद है तो यहाँ पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ ही इसके कलर को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। करेक्शन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। या चेंज पिक्चर को चेंज करना है तो मैंने कवर पेज में बताया था, आप चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा और वहां से कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करके यहाँ पे पिक्चर को चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट एक टाइप के यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खोलते हैं जिसमें कुछ कार्टून टाइप के आर्टिस्टिक पिक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो यहाँ कुछ प्रोवाइड किए गए हैं एमएस वर्ड के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया कंप्यूटर के पिक्चर्स चाहिए, वो करिएगा, यहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स के पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया टेम्पल, यहाँ पे आपके टेम्पल के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा क्लिप आर्ट। जैसे मैंने पिक्चर की फॉर्मेटिंग बताया है उसी तरीके से इसके भी फॉर्मेट यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शंस के साथ। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।